उसकी चेतना थी, अवेयर था वो कि तो कर्ण बड़ा सातर धर्मदर्द आया था, समझदार था वो, चाहता तो इस अकड़ में हो सकता था है, मुझे गुरु की कह तो खुद ही सीख कर लूंगा मैं, लेकिन चेतना थी उसमें, अवेयर था वो कि मुझे गुरु की जरूरत है अर्जुन जैसे को हराने के लिए। तो तलाश में मिल गए उनको परशुराम। परशुराम को बोला कि मुझे अपना चेला बना लो। परशुराम ने बोला कि भैया चेला तभी बनाऊंगा जब मेरा परीक्षा पास करोगे, परीक्षा देता हूँ, टास्क देता हूँ, पास करके दिखाओ तभी मुझे समझ में आएगा तुम काबिल हो, तब लूंगा तुमको अपनी टीम में मैं। बोले ठीक है बताइए, करूंगा मैं, पास करूंगा। बोले टास्क देता हूँ, मुझे एक आम ला करके दो। बोले बस इतनी सी बात, अभी ला करके देता हूँ, तुरंत भागे भागे। बोले रुको पूरी बात सुनो। अरे भाई कहाँ इधर चल दिए, पहले सुनो पूरी बात। बोले आम ऐसा होना चाहिए जो पेड़ से खुद गिरा हो लेकिन खुद गिर करके वो जमीन पर ना गिरा हो, और आम को तोड़ने के लिए तुम कोई हरकत नहीं करोगे, पान चढ़ा दो, हिला दो, तुम्हारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए आम को तोड़ने के लिए। आम अपने आप स्वतः टूटना चाहिए, टूट कर गिरना चाहिए, और वो जमीन को टच ना करे, आम सीधा तुम्हारे हाथ में है। कर्ण बोला भैया ये कैसी बात कर दी गुरु जी ने। लेकिन कर्ण अवेयर था कि गुरु ने अगर टास्क दिया है, अगर कोई समस्या गुरु ने दी है तो समाधान जरूर है। मुझे पता नहीं है लेकिन गुरु को जरूर पता है, तभी तो गुरु ने दिया है, और मेरा काम बस ढूंढना है। आज के टाइम में अगर भाई गुरु अगर कोई टास्क दे दे कि भाई तुमको इस महीने 50,000 की मैचिंग करनी है, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं नाराजी हो जाते हैं, ऊपर अपलाइन को फॉर्म बोलेंगे या उनसे नीचे अपलाइन को बोलेंगे, सर देखो कैसा आदमी है 50,000 की बात कर रहा है, मेरा 10,000 का काम चल रहा है अभी, 50,000 की बात बोल रहा है, पागल हो गया तू, बताओ ऐसे ऐसे कोई बोलता है क्या है? अरे अगर उसने समस्या दी है, अगर उसने टारगेट दिया है, अगर उसने गोल दिया है, इसका मतलब तुम्हारे में काबिलियत दिख रहा है, वो समझ रहा है कि तुम्हारी औकात है इसको पूरा करने की, तुम्हारे में ताकत है इसको पूरा करने की, लेकिन तुम्हारा मनोबल छोटा है जिसकी वजह से शायद तुम कर ना पाओ, इसलिए उसने टारगेट यही करो, तुम कर सकते हो, तुम 1,00,000 का काम कर सकते हो, तुम 50,000 का काम कर सकते हो। तो कर्ण ऐसा नहीं था, कर्ण अवेयर था। कर्ण ने बोला कि गुरु ने अगर समस्या दी है तो इसका समाधान जरूर है। निकल पड़ा बगीचे की तरफ जहां बहुत सारे आम के बगीचे थे, काश था। देखा वहां पर कभी आम डब से उधर गिर रहा है, कभी डब से उच्च वाले गाछ से गिर रहा है, कभी उस वाले पेड़ से गिर रहा है, कभी उस वाले से, और जिधर गिरे कर्ण दौड़ा दौड़ा जाए लपकने के लिए, लपक ना पाए जब तक जमीन जाए। फिर देखा उधर से गिर रहा है, उधर लपक दौड़ दौड़ जाए लपकने के लिए जमीन पे गिर जाए। भैया सुबह से शाम हो गए, रात हो गए, नहीं उठा पाया एक भी आम वो अपने हाथ में, जो आम गिरे वो जमीन पे गिर जाए, और उसको गाछ हिलाना भी नहीं, अपनी ताकत भी लगानी भी नहीं। शाम हो गया, बैठा वहीं पर सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समाधान है तो जरूर ये पता है क्योंकि गुरु ने दिया है, समाधान ढूंढना है। उसने सोचा कि अब मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, इस आम इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ भटकूंगा नहीं, एक पेड़ को पकड़ करके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूं और पूरा कान लगा करके ध्यान लगा के सुनता हूं, साउंड को पकड़ने की कोशिश करता हूं कि जो आम हिल रहा है उस आम को मैं पकड़ पाऊं, और एक ही पेड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के नीचे मैं जाऊंगा नहीं, आम सभी पेड़ों में है लेकिन मैं दूसरे पेड़ पर जाऊंगा नहीं, एक ही पेड़ पर रहूंगा। इसी तरीके से हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलती है, कभी इस कंपनी के द्वारा, कभी इस वाले प्लान के द्वारा, कभी ये वाला काम, कभी वो वाला काम। सर जो आदमी कभी थोड़ा ये ट्राई कर लो, थोड़ा ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो, जिंदगी उसके साथ ट्राई कर लेती है। भगवान कहता है ये बहुत चीज ट्राई कर रहा है, जरा इसको ट्राई करो।